हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 3rd of June और जैसा कि आप सबों को पता है, हम लोग डेली सुबह 6 से 7 के बीच में करेंट अफेयर्स देखते हैं इम्पॉर्टेंट, साथ ही साथ उसके साथ साथ GK GS का भी रिवीजन करते हैं। GK GS रिवीजन इस तरीके से करना है ताकि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएँ। तो टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर मैंने PDF सेंड कर दिए हैं, प्लीज़ आप वहाँ जा करके PDF देख लो। फेसबुक का भी लिंक है, कुछ आप निकोबार कमांड, इंडियन आर्मी का जो न्यू कमांड है अंडमान एंड निकोबार का, उसके नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, ये 16th चीफ हैं, इट मीन्स कि ये 16वें चीफ बने हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में आपको पता ही है, हम लोग मैप में देखेंगे भी, और दो स्टेट और रिवीजन करेंगे हम लोग, सब कुछ क्लियरली आज अच्छे से रिवाइज करेंगे। अगला है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी जो है स्थापना हुई थी 1993 में, और ये क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। NHRC शॉर्ट में कहते हैं। NHRC जो है ये होता है, मान लो किसी व्यक्ति की मानवाधिकार, उसके कुछ अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं। इफ़ समवन वायलेट्स और सम ऑर्गेनाइजेशन वायलेट्स सम पर्सन्स ह्यूमन राइट्स, देन इट विल बी अप्लीकेबल। तो इसके हेड बने हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, ये एक ज़माने में हमारे चीफ जस्टिस हुआ करते थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके लिए आपको याद रखनी है वो है इसका सिलेक्शन पैनल। इसके सिलेक्शन में कौन कौन से लोग होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए रिवाइज करते हैं। सिलेक्शन पैनल में है PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर और लोकसभा ऑपोजिशन इन राज्यसभा। अब देखिए यहाँ पे इसको याद करना है, कुछ ट्रिक के सहारे याद कर सकते हैं, ठीक है? तो वो ट्रिक होगा, ऑपोजिशन के होंगे तो PM, ये आप समझ सकते हैं। तो PM और होम मिनिस्टर, ये दोनों तो ज़रूरी हैं, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर, यानी कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होंगे, उपराष्ट्रपति इसके पार्ट नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति भी इसके पार्ट नहीं होते हैं, और चेयरमैन राज्यसभा के कौन होते हैं, तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति। तो ये दोनों चीज़ों में अंतर आप समझना है आपको, कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते, प्रेसिडेंट इसमें नहीं होते हैं। तो जो होते हैं उनका नाम याद रखिए, PM, होम मिनिस्टर, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा ऑपोजिशन। तो ये चीज़ आपको क्लियर रहना चाहिए कि लोकसभा ऑपोजिशन भी होते हैं और राज्यसभा ऑपोजिशन भी, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के ऑपोजिशन इसमें शामिल होते हैं। तो चलिए अब भाई आपको कमेंट करके यही बताना है कि इसके सिलेक्शन पैनल में कौन कौन है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, नहीं तो इस पर अलग एक वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस एडमिरल जिसे कहते हैं ऑफ नॉवल स्टाफ, ये कौन है, रवनीत सिंह इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून को किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, विच कंट्री चेयर्ड द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स मिनिस्टर। भारत की अध्यक्षता में किए गई ब्रिक्स की बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, और ब्रिक्स बैंक भी एक खोला गया है जिसकी स्थापना हुई है 2014 में, ठीक है? ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई में, चाइना में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ब्रिक्स में 2008 में जोड़ा गया है साउथ अफ्रीका को, तब से ये ब्रिक्स कहलाता है, नहीं तो उसके पहले ब्रिक था सिर्फ। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाते हैं, फाउंडेशन डे ऑफ तेलंगाना स्टेट की स्थापना जो हुई थी 2 जून 2014 को राष्ट्रपति के ऑर्डर से हुई थी, ठीक है? अच्छा, राष्ट्रपति की बात हुई है तो ऊपर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन नाम सिफारिश कौन करता है, तो वो 6 लोगों की कमेटी करती है जिनका नाम मैंने ऊपर आपको बताया। तो राष्ट्रपति जो बड़े महत्वपूर्ण पद होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं। June 1 वर्ल्ड मिल्क डे, June 3 वर्ल्ड बाइसिकल डे, June 4 इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन।
जून 5 है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और 3 जून है, इसको भी फादर्स डे के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं जून 8 को वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि महासागर का दिवस। एंटी चाइल्ड लेबर डे 12 जून को है। 13 जून को है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, एल्बिनिज्म एक बीमारी होती है उसके लिए। 14 जून को है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। फिर 20 जून को है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। 21 जून को है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। नेक्स्ट है जून 23 यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, पब्लिक सर्विस डे है जून 23 में। और जून 26 में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ये डे जो आपको देखे, ये आपको रेगुलर रिवीजन करना होगा, मैं जून भर रिवाइज कराऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित पंघाल ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? तो पहला तो सवाल ये हो गया कि इन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। और दूसरा चीज़ याद रखिएगा, अमित पंघाल कौन से प्लेयर हैं? तो ये बॉक्सर प्लेयर हैं, बॉक्सिंग प्लेयर हैं। नेक्स्ट है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पुरुष ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है संजीत कुमार, गोल्डन मेडल इन्होंने जीता है। किस संस्था ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया है? तो दुनिया में सबसे पहला नैनो यूरिया बनाया गया है इफ़को के द्वारा, इफ़को, ठीक है। नेक्स्ट है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ बुक ऑथर, या ये किताब किसने लिखी है? किताब का नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ, ये किताब का नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ, ये किताब लिखी है रवि शास्त्री ने, ठीक है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2020-21 की आखिरी तिमाही में भारत का GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहा? इंडिया GDP ग्रोथ रेट हैज़ इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021, ये है 1.6%। ये आखिरी तिमाही में, देखिए मैंने आपको कल बताया था, कल से आज को कंफ्यूज मत करिएगा, मैंने रिवीजन कराना भी है उसे। कल जो है पूरे साल में जो GDP का लॉस हुआ है वो -7.3% हुआ है, लेकिन जो आखिरी तिमाही में पॉजिटिव आया है ग्रोथ वो है मात्र 1.6%। पूरे दुनिया की हालत ख़राब है तो भारत का क्या कहें। WHO में भारत में पाए गए वेरिएंट B.1.617.2 COVID-19 वेरिएंट को क्या है? डेल्टा, ठीक है, ये याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। WHO के बारे में जान लेते हैं, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ठीक है। और WHO से अभी जो है जितनी फाइनेंसिंग थी वो US ने अभी बंद कर दी है, साथ ही साथ फाइनेंसिंग बढ़ा दी है किस देश ने? तो वो बढ़ाई है चाइना ने। अगला क्वेश्चन, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन न्यूज वेयर इट इज? तो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है असम में, ठीक है, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला है असम के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट को भी देखेंगे। भितरकनिका नेशनल पार्क ये कहाँ है? न्यूज़ में है, तो ये है उड़ीसा में। अब आइए सबसे पहले इनका मैप देखते हैं, फिर नेशनल पार्क रिवीजन करेंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे। ये है नॉर्थ ईस्ट, देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो ये इलाका है इसे चिकन नेक कहते हैं, चाइना की इस पर नज़र रहती है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, यही एक रूट है जो कि अभी कामयाब है नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए। इस इलाके में बांग्लादेश है जो कि लगभग तीन तरफ से हमारे से घिरा हुआ है, और 4096 किलोमीटर बाउंड्री यहाँ भारत की शेयर होती है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी है ईटानगर, और पेमा खांडू यहाँ के CM हैं। फिर है नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला और असम की दिसपुर। असम के CM यानी चीफ मिनिस्टर अभी नए अपॉइंट किए गए हैं, तो ज़रूर उनका नाम जानिए, असम के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं भारत का नॉर्थ ईस्ट के साइड से पड़ोसी देश एक और कौन है? म्यांमार, जिसका पुराना नाम है बर्मा, और इस बर्मा की पुरानी राजधानी थी रंगून, लेकिन अब इसका म्यांमार की राजधानी का नाम क्या है? नापीडाउ, नापीडाउ, ठीक है। और ये एक राज्य है छोटा सा यहाँ सिक्किम, जिसकी राजधानी है गैंगटॉक है, जिसकी सब राज्यों से बाउंड्री लगती है। और इसके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व, ये तीनों याद होने चाहिए। तो आइए रिवीजन करते हैं।
तो ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि जोरम मेगा फूड पार्क खोला गया था मिजोरम में, हर घर तक नल से साफ पानी योजना इन मणिपुर, लाई हरोबा फेस्टिवल भी मणिपुर में हुआ है, और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये भी मणिपुर में हुआ है। ठीक है, अगला है ब्रू ट्राइब रिहैबिलिटेशन, ब्रू ट्राइब रिहैबिलिटेशन त्रिपुरा में, और दुनिया का हाईएस्ट पायर ब्रिज कहाँ बनाया गया है, तो ये मणिपुर में बनाया गया। कोविड 19 सेस लगाने वाला पहला राज्य कौन बना था, तो ये नागालैंड ही बना था। चलिए, तो असम की बात हो रही थी, असम में नेशनल पार्क है डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और राजीव गांधी, एक अंडमान एंड निकोबार की भी ऊपर बात की गई थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं, साथ में है तो इंद्रावती, कांगेर वैली और गुरु घासीदास। फिर हम लोग देखते हैं अंडमान एंड निकोबार की, तो अंडमान एंड निकोबार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये सातों आपको याद होना चाहिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अंडमान एंड निकोबार का है साउथ बटन, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, तीन बटन जो हैं ये नेशनल पार्क कहाँ पे हैं अंडमान निकोबार में। रानी झांसी नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, तो ये रानी झांसी नेशनल पार्क भी अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क ये कहाँ है, तो ये भी है अंडमान निकोबार, ये भी है अंडमान निकोबार में। और माउंट हैरियट नेशनल पार्क ये भी है कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, माउंट हैरियट, सैडल पीक, महात्मा गांधी या मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, बटन कोई भी हो ये कहाँ होगा, अंडमान निकोबार में होगा। चलिए, अब जो वन लाइनर है देख लेते हैं, बिहार में वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है, गोवा में महावीर हरिणा वनस्थली है, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है, मणिपुर की बात हुई थी तो मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, और नागालैंड में इनटांकी नेशनल पार्क है, सिक्किम में खांगचिंग जुंग नेशनल पार्क है, और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। तो चलिए, अब पिछले दिन के करंट अफेयर्स रिवाइज करें और आपको जो कमेंट करना है वो क्वेश्चन दें। तो अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड नियमावली के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स बाल योजना शुरू किया है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों के लिए युवा कार्यक्रम शुरू किया था, किस राज्य सरकार ने कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा शुरू किया है, तो अभी असम राज्य की बात हुई है और ये असम के द्वारा ही शुरू किया गया है, किस फुटबॉल टीम ने UEFA चैंपियंस लीग जीत ली है, तो चेल्सी क्लब ने ये जीत लिया है, चेल्सी मैनचेस्टर ये क्लब के नाम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया है, तो ये 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है, भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किए गए अपतटीय गुश्ती ICG सजग को किस शिपयार्ड ने बनाया है, तो गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। उपासना तिवारी का क्वेश्चन था कि सर शिपयार्ड क्या होता है, शिपयार्ड जहाँ पे एक तो जहाज़ को लगाया जा सके, उसकी मरम्मत की जा सके, और जहाँ जहाज़ बनाए जाते हैं उसे भी शिपयार्ड कहते हैं। तो उपासना तिवारी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, मैंने देखा हूँ कई सारे मौक़ों पर वो डायरेक्ट कमेंट भी करती हैं जितना भी मैं क्वेश्चन करता हूँ, जो भी हैं बहुत सारे लोग हैं ऐसा नहीं है, बट रिसेंट में मैं देख रहा हूँ पॉलिटी के लगभग उन्होंने सारे प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो ऐसे अचीवमेंट आप भी क्रिएट करो, आपका भी मैं नाम लूँगा। 31 मई को कौन सा दिवस मनाया गया, तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को, और विच इंडियन बॉक्सर फीमेल गॉट 1 गोल्ड मेडल इन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, तो ये पूजा रानी है। दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में MC मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता, तो ये रजत पदक जीता है। फ्रेंच ओपन प्लेज ऑन विच कोर्ट, तो ये क्ले कोर्ट पे, मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है। लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ, ये एसेज जो हैं 2003 से 2020, ये बुक लिखे हैं सलमान रुश्दी ने। अगला क्वेश्चन है, बी श्याम इज एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री, तो ये हैं आइसलैंड के। एम्फोटेरिसिन बी ड्रग इज मेडिसिन ऑफ फंगस बॉर्न डिजीज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नोटिफाई सेकेंड पॉजिटिव लिस्ट, जो रक्षा मंत्रालय ने इतने प्रोत्साहन के लिए इतने सामानों की दूसरी सूची जारी की है 108 सामानों की। अल्पन बंदोपाध्याय वाला जानते ही हैं आप लोग, वेस्ट बंगाल में हैं, और 17 क्वेश्चन मैंने पहले ही रिवीजन करा दिया है, 18 क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट करना है। किस IIT संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए MBTag नामक भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लॉगर विकसित किया है, IIT कानपुर या IIT रोपड़, जो भी राइट आंसर है कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।